इतनी देर हो गई अभी तक टिप्सन ही नहीं आया। ओ, ओ, अरे ये तो शोरूम वाला मालिक है, पर ये मेरे को किडनैप करके कहां पर लेकर जा रहा है। अरे यार बचाओ कोई मेरे को, अब पता नहीं ये दोनों मेरे साथ क्या क्या करेंगे। आज मैं रोप हीरो का वर्जन 6.3 खेल रहा था। मैं बहुत देर से विलन को ढूंढ रहा था लेकिन विलन तो मुझे मिला नहीं। फिर मुझे यहाँ पर ये बहुत सारे पुलिस वाले मिल गए, तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर इन पुलिस वालों को पीटता हूँ और विलन इनको पीटता हुआ देखकर बचाने के लिए जरूर आएगा। तो मैंने यहाँ पर इन पुलिस वालों को पीटना स्टार्ट कर दिया और काफी सारे पुलिस वालों को तो मैंने यहाँ पर मार भी डाला, लेकिन विलन अभी तक इन पुलिस वालों को बचाने के लिए नहीं आया। फिर मुझे गलती से उस विलन की लोकेशन का पता चल जाता है, तो मैं भाग भाग कर उस विलन की लोकेशन पर जाता हूँ और उस विलन को ढूंढ निकालता हूँ। लेकिन मुझे यहाँ पर बाद में पता चलता है कि विलन खुद इन पुलिस वालों को पकड़ पकड़ कर मार रहा है और पुलिस वाले खुद अपनी इससे जान बचा रहे हैं। तो अब मुझे यहाँ पर गुस्सा आ जाता है। हर बार मैं इस विलन के साथ अपने वेपन गन के साथ लड़ाई करता हूँ, लेकिन इस बार हम लोग इसके साथ लड़ाई करेंगे अपनी तलवार से। आज मैं इसको अपनी तलवार से काट डालूंगा। और अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो मेरे पास हेल्थ भी कितनी सारी है और विलन की हेल्थ यहाँ पर आधी हो चुकी है। लेकिन मैं सबसे पहले यहाँ पर इसके पार्टनर्स को मारता हूँ, इसके साथियों को। ये मुझे बीच में डिस्टर्ब ना करें। तो एक तो गया और ये दूसरा वाला भी गया। अब मैं विलन के साथ आराम से लड़ाई कर सकता हूँ, इसको बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। तो ये ले गाइस, इसके यहाँ पर देखो ऊपर हेल्थ कितनी जल्दी जल्दी जा रही है, बस ये मरने वाला है। ओके, और ये गया। तो मैंने यहाँ पर इस विलन को मार डाला। अरे 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 गाइस, ये क्या हो रहा है, तो दो दो फिर से लड़ने के लिए आ रहे हैं। बट कोई बात नहीं, हमारा यहाँ पर ये लेवल कंप्लीट हो चुका है। और गाइस देखो, आज की वीडियो के अंदर पता है क्या होने वाला है। हम लोग अपने रोप हीरो वाइस टाउन गेम के अंदर ना ये पुरानी सी बाइक चला चला कर बोर हो चुके थे, तो मैंने सोचा कि मैं अपने रोप हीरो वाइस टाउन गेम के अंदर एक नई KTM बाइक लेकर आता हूँ। हाँ गाइस, ये पॉसिबल तो नहीं था, बट मैंने थोड़ी सी एडिटिंग की है। अब टिप्सन और मैं हम दोनों GT5 के अंदर जाने वाले हैं, वहां से वो KTM बाइक अपने रोप हीरो वाइस टाउन के अंदर लेके आएंगे। तो गाइस हम दोनों फाइनली GT5 के अंदर आ चुके हैं। अब टिप्सन और मैं यहाँ से एक शोरूम में जाएंगे, वहाँ से न्यू RC390 KTM चोरी करके लेके आएंगे। यार ये काम थोड़ा रिस्की तो है, बट टिप्सन बॉस मेरे साथ है तो हम दोनों उसको आराम से चोरी कर लेंगे। लेकिन यार टिप्सन बॉस तो मना कर रहे हैं। देख रो फिरो, मेरी बात सुन, मैं तेरा साथ हर जगह पर देता हूँ, लेकिन आज मैं तेरे साथ चोरी करने के लिए बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये काम बहुत ही रिस्की है। हाँ टिप्सन बॉस, ये काम रिस्की तो है, लेकिन मैंने पहले ही अपने सब्सक्राइबर्स को बता दिया है कि हम लोग रोप हीरो वाइस टाउन के अंदर एक KTM बाइक लेकर आने वाले हैं। अब तो हम लोगों को जाना ही पड़ेगा। टिप्सन बॉस चलो यार, प्लीज यार। चल ये बात है तो फिर ठीक है, आ जाओ तो फिर जल्दी। इतना मैं इसका शीशा तोड़ता हूँ, पता नहीं किसकी वैन है, बट जिसकी भी हो हमें इससे क्या लेना, हमें तो यहाँ से इस वैन को लेकर भागना है। अरे आ जाओ यार टिप्सन बॉस, अगर वो वैन वाला आ गया फिर तो डबल मुसीबत हो जाएगी, हम लोग वैन से भी रह जाएंगे। तो अब हम लोग यहाँ से जल्दी से शोरूम के अंदर जाते हैं और वो KTM बाइक चोरी करके लेके आते हैं। ये काम मुश्किल तो है लेकिन रिस्क तो लेना बनता है। तो हम लोग यहाँ से जल्दी से निकलते हैं, अपनी वैन को स्पीड से घुमाता हूँ मैं और शोरूम पर जाकर मिलता हूँ आप लोगों से मैं। यहाँ पर यार वैसे आज रोड पर ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा हो रहा है। तो गाइस हम लोग फाइनली शोरूम पर आ चुके हैं। आप लोग पीछे देख सकते हो लिखा हुआ है प्रीमियम डिलक्स मोटर स्पोर्ट, और यहाँ पर ये शोरूम के बाहर दो गार्ड खड़े हुए हैं, ये मेरे ऊपर गन का एम कर रहे हैं। भाई मारेंगे तो नहीं यार, अभी तो हमने बाइक भी चोरी नहीं की, इनको क्या पता कि हम लोग बाइक चोरी करने के लिए आए हैं। देखो जरा हम दोनों के ऊपर कैसे एम कर रहे हैं ये। ले भाई ले, तू पहले हेडशॉट मार मेरे लिए। ले भाई तू मार, नहीं मार रहा है। अच्छा जब हम लोग चोरी करेंगे तभी मारेंगे। तो गाइस हम लोग पीछे वाले रास्ते से चलते हैं, देखते हैं ये रहा पीछे वाला शोरूम का रास्ता। पहले मैं इस लड़की को भगाता हूँ यहाँ से, कभी ये किसी को बता दे कि हम लोग KTM चोरी करने के लिए आए। वो तो भाग गई। और टिप्सन बॉस तुम इतना यहाँ पर खड़े हो और मैं अंदर जाता हूँ यहाँ से दरवाजा तोड़कर और देखता हूँ KTM बाइक है क्या। तो गाइस मैं अंदर आ चुका हूँ और यहाँ पर डर लग रहा है मुझे, कोई मुझे यहाँ पर देख ना ले। तो पहले मैं कार के पास जाता हूँ, यहाँ पर आराम के साथ छिप जाता हूँ, छिप छिप कर देखता हूँ यहाँ पर मुझे कोई देख तो नहीं रहा। हाँ गाइस देखो दोनों गार्ड्स मुझे देख रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उन दोनों ने मुझे देख लिया है। तो मैं यहाँ पर छुप छुप कर काम करता हूँ। चलो 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 जल्दी 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 यहाँ पर छिप जाता हूँ मैं। ओह गॉड, उन्होंने मुझे देखा तो नहीं? नहीं भाई देखा नहीं, वो उन्होंने अपना मुंह दूसरी साइड कर लिया है। अब वो लोग किसी से कॉल पर बात कर रहे हैं, तो हम लोग इस चीज़ का फायदा उठाते हैं। हम लोग इतना इस KTM बाइक को बाहर निकालने का रास्ता ढूंढते हैं। बाहर निकालने का तो एक ही रास्ता है, ये शटर। और मेरी KTM भी ज्यादा आवाज कर रही है, लेकिन शोरूम के चारों तरफ शीशे लगे हुए हैं ना, तो शीशे के पार आवाज नहीं जाएगी। ठीक है तो मैं इस शटर को तोड़ने की ही कोशिश करता हूँ, ऐसे बात नहीं बनेगी। तो पहले पीछे करता हूँ और 3, 2, 1 स्टार्ट, और ये टूट जा। नहीं टूटा भाई, फिर से पीछे करता हूँ, दोबारा ट्राई करता हूँ, इसको मैं तोड़ कर ही रहूंगा। ये ले
तो गाइस मैंने फाइनली अपनी KTM को बाहर निकाल लिया है। अभी तक तो मुझे किसी ने नहीं देखा, कोई बात नहीं, मैंने टिप्सन बॉस को बिठा लिया। और ये क्या हो गया भाई, इतने सारे गार्ड्स कहाँ से आ गए यहाँ पर? मुझे लगता है जब मैं इस KTM बाइक को चोरी कर रहा था, वो गार्ड बाकी के गार्ड्स के पास कॉल कर रहा था कि मैं यहाँ पर KTM चोरी करने के लिए आया, जल्दी से आ जाओ। तो यहाँ पर देखो, ओ भाई साहब हमारा एक्सीडेंट भी हो गया। ये क्या हो गया, हमें तो वहाँ पर जाना था ना शोरूम के आगे को, दूसरे रास्ते से जाना था हम लोग को, मैं गलत रोंग पर आ चुका हूँ। चलो कोई बात नहीं, टिप्सन बॉस जल्दी से बैठो, फटाक से हम दोनों यहाँ से निकलते हैं। रो फिरो, मैंने कहा था ना ये काम बहुत रिस्की है, अब देख इन सबको पता चल गया, ये हम दोनों को नहीं छोड़ेंगे। अरे यार टिप्सन बॉस तुम टेंशन मत लो, मेरे पास एक आइडिया है, हम लोग इस KTM बाइक को इस शहर से इतनी दूर ले जाएंगे इनका बाप भी नहीं ढूंढ पाएगा। और आगे जाकर ना एक शोरूम पड़ेगा, से मैं दूसरे वाले कपड़े पहन लूंगा जिससे ये लोग मुझे पहचान नहीं पाएंगे, और मैं इस गाड़ी की नंबर प्लेट भी हटा दूंगा, फिर तो भाई इनको पक्का नहीं पता चलेगा कि हमने ये बाइक चोरी की थी। ओ भाई इस ट्रक वाले ने मेरे ऊपर ट्रक चढ़ा दिया, ओ ओ भाई मेरी टांग ना तोड़ दे। पहले मैं ट्रक से नीचे से बाहर आता हूँ, भाई साहब बड़ा हैवी ड्राइवर हो रहा है, इसको बाहर निकालता हूँ मैं। एक मिनट, बाहर आना भाई साहब, जरा निकलना बाहर, तेरी ऐसी की तैसी, इसको बाहर धक्का देता हूँ मैं यहाँ से, निकल। अब बताता हूँ तेरे को मैं, तेरी ऐसी की तैसी, इतनी मुश्किल से मैं ये KTM बाइक चोरी करके ले गया और तूने आकर ठोक दिया और ऊपर से मुझे भी मार रहा था, ये ले निकल यहाँ से पहली फुर्सत में। तो चलो टिप्सन बॉस जल्दी से बैठो, अपनी बाइक के ऊपर कार निकल रहा था अभी मेरे मुँह से। चलो यार अभी हम लोग काफ़ी दूर आ चुके हैं, यहाँ तक तो शायद वो लोग हम लोगों को नहीं पकड़ पाएंगे, तो अब मुझे ना जल्दी से जल्दी यहाँ पर कोई शॉप ढूंढनी है जहाँ पर मुझे कपड़े मिले दूसरे वाले, फिर यार ये बंदे ना मेरे को पहचान नहीं पाएंगे। और टिप्सन बॉस तुम्हें भी मैं दूसरे वाले कपड़े पहना दूंगा। हाँ रो फिरो, कपड़े तो हमें दूसरे पहनने पड़ेंगे, वरना वो लोग तो हमें छोड़ने वाले है नहीं, और आज तो तू मुझे जिंदा ही मरवा देता। हाँ बस आज तो हम मर ही जाते। ओ नो, ले भाई हम मर गए। अबे यार रो फिरो, तू लगता है जिंदा नहीं छोड़ेगा, तूने दो बार ठोक दिया और दोनों बार हम लोग बच गए। अरे टिप्सन बॉस तुम्हें पता है ना, अगर वो लोग आ गए तो हम दोनों को मार डालेंगे। तुम एक काम करो, बस फटाफट से बाइक के ऊपर बैठो, अब मुझे यहाँ से जल्दी से किसी शॉप के अंदर जाना है और वहाँ से कपड़े बदल कर आना है, वरना भाई आज तो हम पक्का गए थे। तो गाइस बहुत देर के बाद, ढूंढने के बाद मुझे यहाँ पर फाइनली एक शॉप मिल चुकी है। इस शॉप के अंदर काफी ज्यादा कपड़े हैं, तो मैं इसके अंदर से कोई से कपड़े पहन लेता हूँ। ओके तो हम दोनों यहाँ पर अंदर आ चुके हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा है, ये लेडीज है, इसको एक बार ट्राई करके देखूँ क्या? नहीं नहीं ये मेरे ऊपर सूट नहीं करेगा। यहाँ पर काफी सारी टी शर्ट्स है, कौन सा कलर लो यार, मेरी तो समझ में भी नहीं आ रहा है, इतने सारे देख कर ना मैं बौखला गया, तो ये भी समझ में नहीं आ रहा है मेरी। अरे रो फिरो, इतना तो यहाँ पर ये कपड़े देख रहा है, मैं जरा गाड़ी से कुछ फ्रूट्स लेके आता हूँ, मुझे बहुत तेज से भूख लग रही है, वो हम दोनों खाएंगे। ठीक है टिप्सन बॉस चले जाओ, इतना मैं यहाँ पर कपड़े खरीद लेता हूँ। ये ब्लू वाली टी शर्ट सही लग रही है मुझे। ओ भाई धक्का क्यों दे रहा है यार, मैंने तो तेरे को कुछ भी नहीं कहा, ये शॉपकीपर भाई मेरे को क्यों धक्का दे रहा है? ओ भाई इसने मेरा पंच मार दिया। चलो यार छोड़ यार, मुझे तेरे से लड़ाई नहीं करनी, हट जा यार, एक तो मेरे सिर वैसी बहुत सारी लड़ाई हो रखी है। कौन सी शर्ट लूँ यार, कौन सी टी शर्ट लूँ, ये भाई मारे जा रहा है, इसने मुझे गुस्सा दिलवा दिया, अब तू नहीं बचेगा, तेरी ऐसी दी तैसी, पहले तेरे को ही मारता हूँ मैं। जहाँ मेरे ऊपर इतने सारे केस हो रखे हैं, एक तेरा केस और सही, निकल यहाँ से तू पहली फुर्सत में, ये ले तेरी ऐसी की तैसी, निकल। तो गाइस यहाँ पर इस शॉपकीपर को तो मैंने मार डाला, लेकिन मेरी समझ में नहीं आई कौन सी टी शर्ट लूँ। जब तक टिप्सन बॉस आता है तो मैं यहाँ पर वेट कर लेता हूँ, क्योंकि टिप्सन बॉस की पसंद से मुझे यहाँ पर टी शर्ट लेनी है। ठीक है, ओ ओ ओ, अरे भाई भाई ये तो वही है यार, कार शोरूम का मालिक, ये तो मुझे किडनैप करके लेके जा रहा है। ओ भाई इसने वैन में डाल दिया मुझे, ये क्या कर रहे हैं भाई, गन दिखा रहे हैं, और कहाँ लेकर जा रहे हैं मुझे, कहीं यार ये मुझे पुलिस में तो नहीं देंगे। हा हा हा, आखिर हम दोनों ने तुझे पकड़ ही लिया ना, अब बता हमारी KTM बाइक कहाँ पर है, और तूने हमारे शोरूम के अंदर से वो KTM बाइक क्यों चोरी की थी? अरे तुम मेरा ये लॉकेट क्यों निकाल रहे हो, लॉकेट तो रहने दो, मैं बताता हूँ KTM कहाँ पर है। फिर इतनी देर से बता क्यों नहीं रहा है, कहाँ पर है हमारी KTM, बता वरना हम तेरी बहुत बुरी हालत कर देंगे। मारो मत, अभी बताता हूँ कहाँ पर है तुम्हारी KTM। अरे हाथ तो खोलो तुम मेरे। हाथ तो मैं तेरे नहीं खोलूंगा, और तू अब खुद बताएगा, बता KTM कहाँ पर है, और KTM के साथ साथ 2,00,000 रुपए भी चाहिए मुझे, तूने मेरे शोरूम से KTM निकालने की कोशिश कैसे की? अच्छा ठीक है, चलो बताता हूँ तुम्हारी KTM कहाँ पर है, लेकिन तुम मेरे ऊपर ये पेट्रोल क्यों डाल रहे हो? जब तुझे जलाकर मारेंगे ना, तू खुद बताएगा KTM कहाँ पर है और 2,00,000 कहाँ पर है। कौन से 2,00,000, मैंने तो बस तुम्हारे शोरूम से KTM ही चोरी करी थी। ये दोनों रोफिरों को कहाँ पर लेकर आए होंगे, पता नहीं कहाँ पर लेकर आ गए, वो तो अच्छा हुआ मैंने रो फिरो को किडनैप होते हुए देख लिया था जो मैं यहाँ तक आ गया, वरना रो फिरो को आज कौन बचाता, ये दोनों तो रो फिरो को पीट रहे हैं, अब मैं इन दोनों को नहीं छोड़ूंगा, इन्होंने रो फिरो को पर हाथ कैसे उठाया? टिप्सन मेरे दोस्त आ गया, तू छोड़ना मत इन दोनों को, इन दोनों ने मुझे चेयर पर बांध बांध कर बहुत मारा, अगर आज तू नहीं आता
तो पता नहीं ये दोनों मेरे साथ क्या करते, पता नहीं कौन से 2 लाख ले रहे थे। अरे रो फिरो यार, तू टेंशन मत ले, मैं आ गया हूँ ना, अब इन दोनों को मेरे हाथों से कोई नहीं बचाएगा। मारो टिप्सन बॉस इसको, मारो, छोड़ना मत आज इसको। और इस बिल्डर को तो तुमने मार ही डाला, लेकिन ये मेरे को भी मार रहा है, मेरे हाथ अभी यहाँ पर काम नहीं कर रहे। मारो इसका यहाँ पर भूस भर दो, छोड़ना मत इसको। एक काम करो टिप्सन बॉस, तुम जो मैंने तुम्हें वो शॉट गन दी थी ना, उससे इसके ऊपर शूट करो, इसका टकला फोड़ दो, मारो। ओ टिप्सन बॉस, चलो आज तो तुमने मेरी जान बचा ली और तुमने इसको मार डाला। तुमने सही कहा था, ये काम बहुत रिस्की है। अब हम दोनों यहाँ से रो फिरो वाइस टाउन के अंदर चलते हैं। हमारे सब्सक्राइबर्स हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे कि हम लोग रो फिरो वाइस टाउन के अंदर कब आएंगे। चलो कोई नहीं, हम तुमने मुझे जैसे तैसे करके बचा ही लिया है। गाइस प्लीज़ यार एक लाइक कर दो यार, टिप्सन बॉस ने ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की और मुझे बचा ही लिया। और भाई अब तो टिप्सन बॉस भी राइडर बनना है, इन्होंने भी मुझे घेर दिया। कोई नहीं गाइस, तो अब हम लोग फटाफट से चलते हैं अपने रो फिरो वाइस टाउन के अंदर इस KTM बाइक को लेकर। तो गाइस हम लोग फाइनली अपनी KTM बाइक को अपने रो फिरो वाइस टाउन के अंदर लेकर आ चुके हैं। और जो ये KTM है वो टिप्सन चला रहा है और उसके पीछे रो फिरो बैठा हुआ है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो अपनी KTM इतने अच्छे तरीके से नहीं चल रही है, क्योंकि ये एडिटिंग है भाई, रियल नहीं है। आप लोगों से मैं पहले ही बता दूँ जिससे आप लोग गुस्सा ना हो। तो यार कैसी लगी आज की ये वीडियो मेरी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आप लोग कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो मैं मिलूंगा यार आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।